हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो केदारनाथ धाम से हो रही है। तो आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और आप सभी लोगों को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी जो मौसम हो रखा है वो अच्छा धूप वाला मौसम हो रखा है, तो यहाँ पे धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है और जैसे जैसे यात्रा कम हो रही है वैसे वैसे लोग अपनी पैकिंग करके घर की तरफ जा रहे हैं, जिन्होंने अपने कैंप लगाए थे, दुकान लगाई थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर जाने की तैयारी में हैं, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। और परसों ही मैंने आपको इस वाली थल्ली में दिखाया था कि सूरज जो है टेंट लगा रहा था, उसने भी टेंट उखाड़ दिए हैं और चला गया है घर। और अभी जो मौसम हो रखा है वो बड़ा प्यारा हो रखा है। हम लोग तो लेट में जाएंगे और ये आपसे हमारी टेरिटरी का झंडा हो चुका है। यहाँ पे हमने अपना आधिपत्य जमा लिया। आधिपत्य ये पूरा जो साम्राज्य दे रहे हैं अपना साम्राज्य है। यहाँ से नीचे तक हाँ नीचे मजाक कर रहा हूँ भाई, पता लगा केदारनाथ में आ गए गली। हाँ धीरे धीरे लोग घरों को जाते हुए हैं, लोग अपनी दुकानों को पैक कर रहे हैं। जैसे जैसे सीजन डाउन होगा ना वैसे वैसे धीरे धीरे लोग जो हैं घरों की तरफ जाते रहेंगे। तो ये वाली हमारे सामने और दुकान पैक हो गई, कुछ कैंप ऊपर वाले हो गए, एक दुकान ही होगी। मैं तो लास्ट तक ही रहूंगा भाई। आज जो है सारे काम टाइम पे निपटा दिए, ये वाला कैंप रेडी कर दिया, ऊपर के दो कैंप रेडी कर दिए और नीचे वाला बड़ा कैंप तो लगा नहीं था। तो ये वाला भी दरअसल लगा नहीं था, इसमें जो है केवल यात्री आए थे और उसके बाद उन्होंने कैंप एक्सचेंज कर लिया था, उनको पर्सनल पर्सनल चाहिए था। तो ये कैंप जो है वो 4 पर्सन का कैंप है, इसमें आपको हीटर मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं अंदर सो रखा था, जैसे ही बाहर आया नीचे देखा तो बूंदाबांदी शुरू, चारों तरफ कोहरा। और अब जो मौसम है वो धीरे धीरे बर्फबारी की ओर, क्योंकि शरद के बाद जो है मौसम बर्फबारी का हो जाता है। तो सबसे पहले कैंटीन में चलते हैं, चाय पीते हैं, फिर जो है आज का काम करते हैं। जैसे ही घोड़ा पड़ाव जाने का टाइम हुआ वैसे ही बारिश लगी। और अब मेन दिक्कत यह है बारिश में भीगने का, क्योंकि बारिश में भीगे यहाँ पे इतनी आसानी से कपड़े नहीं सूख पाते और बारिश में भी लोग आ रहे हैं। हाँ भैया क्या बोलो, बढ़िया हीटर के साथ। अरे मालिक साहब क्या हाल चाल। तो हम भी सोच रहे हैं कोई तो मिले। हाँ भैया कैंप 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 बड़े हीटर के साथ। और अब जिस हिसाब से मौसम हो रहा है ना उस हिसाब से धीरे धीरे बर्फ वाला मौसम बनता जा रहा है, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। तो बारिश का मौसम कंटिन्यू बना हुआ है और जैसे जैसे बर्फ का मौसम बन रहा है वैसे वैसे सारे लोग घर जा रहे हैं। और घोड़ा पड़ाव भी बिल्कुल सोना दिख रहा है और यात्रियों की संख्या भी बहुत कम दिख रही है, लेकिन हम लोग जो हैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक बाबा का धाम यानी केदारनाथ के श्री केदारनाथ जी के कपाट बंद नहीं हो जाते तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। ये जो हल्की फुल्की बारिश होती है यही बर्फबारी का कारण बनती है, कि अब जो मौसम यहाँ पे चाहिए वो ठंडा मौसम चाहिए, ऐसा गर्म वाला मौसम नहीं चाहिए जैसे कल तक यहाँ पे गर्मी हो रही थी। तो हमेशा श्राद्धों में कभी भी बर्फ नहीं गिरती है, बर्फ का सीजन नवरात्रियों से शुरू होता है और अभी भी कंटिन्यू बारिश लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ आराम से। तो घोड़ा पड़ाव देखो कैसा सुनसान हो रखा है, बिल्कुल भी यात्री बहुत कम चल रहे हैं। एक तरफ बारिश का मौसम है, दूसरी तरफ जो है प्यारी सी धूप लगी हुई है। पीछे जो दिख रहा है वो मेरू सुमेरु पर्वत दिख रहा है, बाकी चारों तरफ पहाड़ियों पे प्यारी धूप है और बादल गर्जनाएं कर रहे हैं। लग रहा है कि बहुत खतरनाक बारिश आने वाली है। तो मैं भी चल रहा हूँ ऊपर की तरफ, मुझे फिलहाल यात्री मिल चुके हैं। और भाई जी कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। आजकल मेरे पास दिल्ली से बहुत सारे यात्री मिल रहे हैं मुझे। तो अभी धूप थी, एकदम से जो है कोहरा लग गया, यहाँ का मौसम तभी बोलते हैं। आए हुए 10 मिनट नहीं हुए और एकदम से मौसम ऐसा बदल गया। तो एक बार फिर से घोड़ा पड़ाव जाना पड़ा, क्योंकि जिनको कैंप दिखाया था ना वो फ्रॉड निकले। तो उनको 200 रुपये में रहने का भी चाहिए था और नहाने का पानी भी चाहिए था। इट्स नॉट पॉसिबल हियर, बहुत कॉस्टली जो है यहाँ पे बिजली है, इतना सस्ता नहीं मिल सकता। तो मैंने बोला आपको जहाँ ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आप वहाँ जा सकते हैं, मंदिर के पास कैंप। तो देखते ही देखते मौसम देखो क्या भयंकर हो गया, कोहरा इतना ज़बरदस्त लग गया है, पूरी विजिबिलिटी ख़त्म हो गई है और
हम लोग एक बार फिर से घोड़ा पड़ाव पहुंच गए हैं। तो जैसे ही रात का मौसम खत्म होता है ना, वैसे ही पहाड़ों में ठंड बढ़ जाती है और ठंड बढ़ने के बाद जो है बर्फबारी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रात के बाद ही हमेशा बर्फ गिरती है, रात में कभी भी बर्फ नहीं गिरती। ये चीज आपको कन्फर्म हो जानी चाहिए कि आप कभी भी प्लान बनाओ, जैसे आपको बर्फ देखने का मन है तो श्राद्धों में कभी ना आए। और एक ये भाई यहाँ पे पूछ रहा है, हमेशा हमको यात्रा का पता घोड़ा पड़ाव से चलता है, क्योंकि घोड़ा पड़ाव पर अगर भीड़ ठीक ठाक रहेगी तो यात्रा भी ठीक ठाक रहती है। लेकिन जब घोड़ा पड़ाव ही खाली हो गया तो यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं बनता। और ये देखो कुछ ऐसा खाली इधर है, कुछ खाली इधर है, कुछ नहीं दिख रहा। तो चलिए चलते हैं अब कैंप की तरफ। वो कहाँ गया रे? तो मौसम काफी प्यारा हो रहा है, अभी जो है कोहरा काफी हद तक हट चुका है, धीरे धीरे कोहरा जो है पूरा साफ हो जाएगा। पीछे जो है मेरू सुमेरू दोनों पर्वत भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। इधर वाली साइड पूरा कोहरा है, इधर वाली साइड कोहरा काफी हद तक हट चुका है। वासुकी ताल वाले टॉप पे देखोगे उस पर भी काफी हद तक कोहरा है। तो मतलब उम्मीद तो ये की जा रही है कि नवरात्रे आए हैं, नवरात्रों के साथ बारिश आनी चाहिए और बारिश के साथ बर्फ़ गिरनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी तक बर्फ़ गिर जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक पीछे वाले जो मेरू सुमेरू पर्वत हैं बोलते हैं जिनसे बर्फ़ बहुत कम हटती है वो भी अब बिना बर्फ़ के दिख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघल चुकी है। तो रात के 7:45 बज चुके हैं, अभी तक कैंप लगने की कोई उम्मीद नहीं है। भीड़ हल्की फुल्की कम हो चुकी है, हल्की क्या बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब लोगों को उम्मीद है, सबसे ज़्यादा उम्मीद दीपक को है। दीपक लगेगा कैंप? लग गए भाई, जितने लगने थे, उम्मीद नहीं है अब उम्मीद ख़त्म होगी। अब पवन लगेगा कैंप? लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी, मेहनत करेंगे तो लगेगा। आपका समर्थन चाहिए। हाँ समर्थन, हाँ। तो 7:45 हो गया और रास्ता कुछ ऐसा खाली हो गया। आज जो है व्लॉग काफ़ी लेट तक चल रहा है, शायद कल मॉर्निंग का भी कुछ पार्ट आ जाए। और हम लोग यहाँ पे यात्री के लिए रुके हुए हैं, तो रास्ता कुछ ऐसा खाली हो रखा है और ये बंदा बिल्कुल अफसोस में है, बहुत अफसोस में है। आज इसने बढ़िया पैसा कमा रखे, अफसोस में है। आज मैं करोड़ों पे हूँ, करोड़ों पे करोड़ों पे दाव लगाए जाए, फिर करोड़ों पे दाव लगाए जाए। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार।